हाय एवरीवन, दिस इज मी सुखप्रीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ इंडियन हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशल पार्टी मेकअप लुक ट्यूटोरियल, जो कि समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ये एक स्पेशल रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगेगा। सो चलिए हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्किन को नरिश और मॉइस्चराइज करने के लिए ले रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, जो कि ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन वालों को भी अच्छी तरह से सूट करता है। तो अगर आप एक ऐसा मॉइस्चराइजर स्पेशली समर्स के लिए चाहते हैं, तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। ये बहुत ही अफोर्डेबल है प्राइस वाइज भी। इसके अलावा आप सेकेंड ऑप्शन में बायोटेक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हाइड्रेटिंग है। स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेरा करोनो केयर का एंटी पल्यूट फेस स्प्रे, जो कि एज अ प्राइमर का भी काम करता है। सो समर्स का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे आज जो मैं मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, ये इंडियन वुमेन के लिए स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल है कि गर्मियों के मौसम में आप किस तरह से इंडियन लुक देसी स्टाइल में रेडी हो सकती हैं। और सनस्क्रीन के लिए मैंने यूज किया है न्यूट्रोजिना का अल्ट्रा शियर सनस्क्रीन। ये हर स्किन टाइप को सूट करता है। ये 50+ SPF वाला सनस्क्रीन है, तो ये आपको बहुत तेज धूप से भी कम से कम 6 से 8 घंटे तक प्रोटेक्शन देगा। यहाँ पे अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और यहाँ पे आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपको डर है कि मेकअप क्या से आपका फेस खराब हो सकता है, तो एक अच्छी क्वालिटी का प्राइमर यूज जरूर करें। जैसे कि मिस क्लेयर का ये स्टूडियो परफेक्ट प्राइमर, ये अच्छा खासा आपका मेकअप को 6 से 8 घंटे तक स्टे करके रखता है। प्राइस है इसका ₹375। अगर आपको एक अच्छा प्राइमर चाहिए, तो आप सेम निक्स में भी प्राइमर बाय कर सकते हो। लॉरियल का बेस मैजिक प्राइमर भी ट्राई कर सकते हो। फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है 02 और इसका प्राइस है ₹250 ओनली। ये बहुत ही अफोर्डेबल फाउंडेशन है और मैं आज पहली बार इसके साथ एक मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूं, एंड मैंने इसके ऊपर आज सिर्फ एक रिव्यू ही किया हुआ है पहले एक वीडियो में। तो मुझे लगा कि मुझे एक मेकअप लुक ट्यूटोरियल भी लैक्मे के फाउंडेशन के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको फाउंडेशन को मैंने कर लिया है ब्लेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर हल्के से टाइनी टाइनी से पिंपल दिख रहे हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो किया था कि पिंपल्स को किस तरह से छुपाएं, जिसमें मैंने कलर करेक्टर के बारे में बताया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर करेक्टर यूज किया है, जिनको मैंने हल्का हल्का उन तीनों पिंपल्स के ऊपर अप्लाई किया है। और यहाँ पे मैं अपने फिंगर के साथ ही उसको हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, स्लाइटली ओनली। अब मैं अपने फाउंडेशन के साथ ही उसको हल्का सा कवर करूंगी। तो अगर आपके फेस के ऊपर किसी भी तरह का रेडनेस है या बहुत बड़ा रेड कलर का पिंपल है, तो आप इस तरह का ग्रीन कलर करेक्टर यूज करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप फाउंडेशन को अप्लाई करें। आप देख सकते हैं वो पिंपल जो थोड़े हाईलाइट थे कलर करेक्शन के बाद, कितने मिनिमाइज हो गए हैं। और अपने ब्लेमिशेस को छुपाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर के लिए ब्लू हेवन का कंसीलर, जो कि एक्चुअली में ड्राई टेक्सचर का है। मैं ओलिविया का पैनस्टिक कंसीलर प्रेफर करती हूँ, लेकिन समर्स में वो फेस को बहुत ज्यादा ग्रीसी बनाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज किया है ब्लू हेवन का, जो कि थोड़ा ड्राई टेक्सचर में है, तो ये बहुत ही जल्दी केकी लुक नहीं देता। तो मैं इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ। आप कोई भी कंसीलर जो भी आपको पसंद है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। कंसीलर किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो किया हुआ है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो चेक जरूर किया होगा। नहीं किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। आई मेकअप के लिए मैं यूज कर रही हूँ डॉली विंक का पिंक आईलाइनर। अगर आपको आई शेडो लगाना पसंद है लेकिन आपको डर लगता है कि आई शेडो मेसी हो जाएगा, तो आप एक अच्छे कलर्ड आई पेंसिल में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इससे आपका आई शेडो लगाना आसान हो जाएगा। आप बस अपनी कलर्ड पेंसिल के साथ पूरी आईलिड को कवर कर लीजिए और आपके लिए वो आई शेडो का काम ही कर देगा। तो यहाँ पे मैं अपने उस आई शेडो को सेट करने के लिए बस अपने पफिल की आई शेडो पैलेट में से सेम मैट पिंक कलर लेके उसको अपने आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये कितना ब्यूटीफुल बार्बी पिंक कलर का आई शेडो हो गया है। तो इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि आपको येलो ड्रेस के साथ किस तरह का मेकअप करना चाहिए। आईलाइनिंग के लिए मैंने यूज किया है बेला वोस्टे का आईलाइनर। आप स्केच आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर, कोई भी लाइनर यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर आप डे टाइम में बाहर जा रहे हैं और आपको स्वेटिंग बहुत होती है, तो सिर्फ जेल बेस्ड आईलाइनर ही यूज करें। काजल के लिए मैंने यूज किया है फेसेस की लॉन्ग वेयर आई पेंसिल, जिसका प्राइस है ₹350 और ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होती और इसका स्टे 10 घंटे से ज्यादा है।
मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का हाइपोकर्ल मस्कारा, जिसका प्राइस है ₹350 और ये वाटरप्रूफ है, तो ये समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट मस्कारा है। अगर आपको मस्कारा लगाना पसंद है तो एक वाटरप्रूफ मस्कारा में इन्वेस्ट करें। हम पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे फेस को कंटूर करने वाली हूँ। मैंने यूज़ किया है मीनाओ का कंटूरिंग पैलेट। अगर आपको लगता है कंटूरिंग आपके लिए डिफिकल्ट है तो आप एक स्टिक कंटूर में इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो अप्लाई करना ज़्यादा इजी होता है। और कंटूर हमें करना होता है हमारे हॉलोज ऑफ द चीक्स पे, जॉ लाइन के ऊपर और टेम्पल्स ऑफ द फोरहेड पे। उसके अलावा आप अपने नोज शेप को भी और ज़्यादा डिफाइन दिखा सकती हैं एक डार्क कलर का कंटूर यूज़ करके। आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए किस तरह से मैंने कंटूर अप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने जो चीक्स के ऊपर कंटूर अप्लाई किया है उसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको यूज टू हो जाएंगे। कंटूरिंग के बाद मैं यहाँ पे व्हाइट टोन फेस पाउडर के साथ अपने फेस की बेकिंग करने वाली हूँ। बेकिंग से क्या होता है कि आपका जो फेस के ऊपर जो एक्सेसिव ऑयल है तो वो ऑब्जर्व हो जाता है और जो हमने कंटूरिंग किया है वो और ज्यादा शार्पन हो जाएगी और फेस जो है वो और ज्यादा स्कल्प्ट दिखाई देगा। ब्लशर के लिए मैंने अपने वीओवी के पैलेट में से ब्राउन कलर का ब्लशर अप्लाई किया है। उसके बाद एक क्लीन ब्रश के साथ हमने जहां पे बेकिंग की थी मैं वहां से पाउडर को डस्ट ऑफ कर रही हूँ। लिप्स को लाइन करने के लिए मैं ले रही हूँ ADS की लिप क्रेयॉन पेंसिल। इसका जो शेड है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो मेक श्योर आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक जरूर करें। समर्स में बहुत जरूरी है अपने लिप्स को अच्छी तरह से लाइन करना ताकि जो आपकी लिपस्टिक है वो बिल्कुल भी ब्लीड आउट ना हो, चाहे आपको जितनी मर्जी भी स्वेटिंग हो, और अपने लिप्स को भी अच्छी तरह से लिप लाइनर से। लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरे मैट मी की लिपस्टिक, उसका शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज आप वहां पे चेक कर लेना। ये बहुत ही ब्राइट फूशिया पिंक कलर है और ये लिपस्टिक मैट है, तो गर्मियों के मौसम में पार्टी मेकअप अगर आप कर रहे हैं तो मैट लिपस्टिक्स को चूज करें, क्योंकि उनका एक तो स्टे लंबे टाइम तक रहता है, वो ब्लीड नहीं होती, अगर वो सेट हो जाती है तो बिल्कुल भी इधर उधर फैलती नहीं है, और जब आप खाना भी खाते हैं तो वो ट्रांसफर भी नहीं होती, तो मैक्सिमम मैट लिपस्टिक जो है वो ट्रांसफर प्रूफ भी होती है। अब लास्ट में मैं अपने फुल फेस को अपने लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन के साथ सेट कर रही हूँ। ये कहने के लिए तो प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन है, लेकिन ये सिर्फ एक कॉम्पैक्ट का ही यूज है, मेरे हिसाब से बेस्ट है, आप इसको एज अ कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं, तो मैं बस इससे अपने फुल मेकअप को सेट कर रही हूँ ताकि ये हल्का सा शीन देता है। सो हमारा इंडियन पार्टी मेकअप देसी लुक रेडी है इंडियन वेमेन के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हेयर जो है वो बहुत ज्यादा व्हाइट है, तो यहाँ पे एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लिया है अपना मैट ब्लैक आई शेडो अपने ब्रश के ऊपर, जिसको मैं अपने फ्रंट के जितने भी हेयर हैं उनके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इससे इंस्टेंटली जो व्हाइट हेयर है वो हाइड हो जाते हैं। सो पार्टीज वगैरह में जाते समय अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रंट सेक्शन में कहीं पे भी व्हाइट हेयर विजिबल हो रहे हैं, तो आप एक मैट ब्लैक आई शेडो के साथ उनको इंस्टेंटली कवर अप कर सकती हैं। सो अब मैं लुक को फिनिश करने वाली हूँ अपने मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ। मैंने जो कोरोनो करे का फेस स्प्रे यूज किया है वो एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे भी काम करता है। आपके लिए अगर आप एक स्पेसिफिक मेकअप सेटिंग स्प्रे चाह रहे हो तो आप पैक का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो, नहीं तो आप घर पे भी एक सेटिंग स्प्रे बना सकते हो। लास्ट में मैंने अपने लुक को फिनिश किया है बिंदी और हैवी इयररिंग के साथ। सो ये एक स्पेशल रिक्वेस्टेड वीडियो था कि मैं एक इंडियन वुमेन्स के लिए मेकअप लुक क्रिएट करूं, हाउसवाइफ्स के लिए समर स्पेशल पार्टी मेकअप वो किस तरह से रेडी हो सकती हैं। नवरात्रे भी चल रहे हैं तो आप किस तरह से रेडी हो सकती हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।